इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। पाकिस्तानियों को बोल रहा हूँ, आप इसलिए मंदिर में बनवाइए क्योंकि वहां पे कुछ हिंदू हैं और उनको सजदा करना है। यह आपका कल्चरल पास्ट है। इस खित्ते में जो भी रहते थे पहले हिंदू थे, 3-4-5 जनरेशन पहले ये सब हिंदू थे। आपके आपके आर्मी चीफ का हिंदू नाम है ना। और है आपके जितने भी चौधरी हैं, चिट्टे हैं, चीमा हैं, रंधावा हैं, राठौर हैं, गुज्जर हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, ये कौन है? ये तो हिंदू ही है ना। और पाकिस्तान में भरे पड़े हैं पाकिस्तानी। वो टीवी पे आते हैं, वो कौन बोलते हैं कि मैं गुजर शेर हूं। वो आते हैं ना, वो पता नहीं कौन से बड़े, वो बड़े जोर से बोलते हैं, वो इफ्तिखार चौधरी, वो जो पीटीआई के आते हैं। हाँ, पता नहीं वो जो हाँ। कैमरे के अंदर मुंह डाल के बात करते हैं जो ना। मुझे लगता है इंडिया ही आ जाएंगे बिना वीजा के, बिल्कुल पाकिस्तान से घुसेंगे कैमरा के अंदर। तो जो गुजर है कम्युनिटी ना, वो तो हिंदू है। आपको कश्मीर में जाएंगे तो आपको मुस्लिम गुजर भी मिलेंगे, लेकिन जो कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी है, दैट इज बेसिकली हिंदू। उनका मूल हिंदू है, जो कश्मीरी है, कश्मीरी गुजर नहीं, सॉरी, जम्मू के साइड में गुजर रहते हैं, माफ कीजिएगा, जो कश्मीरीज हैं। आप उनके सरनेम देख लीजिए, आप उनके, देयर आर मेनी हु आर कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज, उनके सरनेम भी वही हैं। तो जो आप मंदिर की वहां पे तामीर कर रहे हैं, आप सिर्फ इसलिए मत करिए कि वहां पे हिंदू आके अपनी पूजा करेगा, वो तो करेगा ही पूजा अगर उसका मंदिर होगा तो। आप इसलिए करिए कि आपके जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। इट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर पास्ट। आपका जो अतीत है, आपका जो पास्ट है, आपकी जो तारीख है, वो हिंदू है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तक्षक यूनिवर्सिटी है ना, जो नालंदा है इंडिया में, ये इंडिया का एक 100% हिंदू पास्ट रहा है। ये बात सच है। तो जो लोग भी अब वो ठीक है कि जितने सैयद पाकिस्तान में उतने पूरे के पूरे सऊदी अरब में नहीं है, वो ठीक है, वो पाकिस्तानियों के मंदिर में, उनको कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। वहां पे आपको कुरेशी नहीं मिलेंगे, सारे के सारे कुरेशी ही पे, ठीक है। कुरेशी तो कहते हैं ना, ट्राइब ऑफ कुरेश, हजरत मोहम्मद साहब की ट्राइब थी, ट्राइब ऑफ कुरेश के थे हजरत मोहम्मद साहब। तो सऊदी अरेबिया में इतने कुरेशी नहीं है जितना यहाँ पे है, सब कॉन्टिनेंट में हमारे। ये सब बातें ठीक है, सबकी अपनी मर्जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिस इज ऑल्सो योर कल्चरल पास्ट, हिंदुइज्म इज योर कल्चरल पास्ट। आपने पूजा की पद्धति बदली है, आपने पूजा की शैली, अपने इबादत करने का तरीका बदला है, आपने अपनी संस्कृति नहीं बदली। अगर बदली है तो गलत चीजें नहीं बदलनी चाहिए। सो दैट इज इट। बिल्कुल सही। और आपकी बात से मैं एक चीज और मेरे साथ पूछना चाहूंगी कि पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, काफी साल पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, तो उस वक्त उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनाई थी, जो कंस्ट्रक्शन थी, बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। पाकिस्तान में तो बहुत सी बिल्डिंग्स, बल्कि काफी ज्यादा 90% शायद खत्म ही कर दी इन्होंने। तो भारत में कुछ रह गई है या कुछ ऐसा किया है भारत ने कि वो बिल्डिंग्स को प्रिजर्व किया जाए और रखा जाए, या वहां पर भी पाकिस्तान की तरह सब बिल्डिंग्स को दोबारा से जो है रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया है और कुछ नए डिजाइन बना दिए, या पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी हैं? अंग्रेजों के टाइम की बहुत बिल्डिंग्स हैं हमारी। हमारा राष्ट्रपति भवन जो है वो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। आप पार्लियामेंट ले लीजिए, इंडिया का पार्लियामेंट, वो भी उस समय का बना हुआ है। और काफी चीजें हैं जो इंडिया में हैं वो अंग्रेजों के टाइम की हमने प्रिजर्व कर रखी हैं। उसका कारण है, अंग्रेजों ने बनाई जरूर थी लेकिन पैसे हमारे लगे थे। अंग्रेज तो इंग्लैंड से पैसे नहीं लेकर आए पाउंड कि हम ये वायसराय का घर बनाएंगे, बाद में इसको आप राष्ट्रपति भवन कह लेना जब हम चले जाएंगे। तो पैसे तो हमने दिए थे। वही चीज मैं कहना चाहता हूं, ओवैसी साहब के भाई जब कहते हैं ना, हम जाएंगे तो ताजमहल ले जाएंगे, हम वो
अक्सर धमकी देते हैं ताजमहल ले जाएंगे, भाई ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया, शाहजहां ने सिर्फ हुक्म दिया था, पैसे मेरे पूर्वजों ने दिए थे जो उस समय इस मुल्क में 95-98% हिंदू थे, हमारे पैसे हमने दिए, हमने टैक्स दिया, उससे ताजमहल बना। ये कहते हैं ताजमहल ले जाएंगे, भाई हमारी प्रॉपर्टी है वो ताजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल, किले विले जितने भी मुगलों के हैं ये हमारे पैसों से बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर एक बात देखिए, अगर ये मैं इस घर पे हूं और ये घर किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन करा है, राइट, आर्किटेक्ट डिजाइन करा है, या जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाता है उसका होता है, या जो पैसे खर्च करता है उसका होता है, मालकान हक तो उसका होता है जिसे पैसे खर्च करे। तो आप ये बताइए शाहजहां के पास कौन सा बिजनेस था, जो शाहजहां बड़ा अमीर था भाई, लोगों से टैक्स लेता था, कर वसूलता था, लगान लेता था, तभी तो शाही खजाने भरते थे, वो लोग कौन थे जिनसे टैक्स लेता था, वो तो 95-98% हिंदू थे, 90% ही लगा लीजिए हिंदू थे। तो ज्यादातर हिंदुओं ने पैसा दिया तब जाके ताजमहल बना। इनकी जितनी भी अयाची हैं मुगलों की जितनी भी हैं, ये किले विले बनाए अपने लिए बनाए। एक मुस्लिम राजा था जिसको मैं एडमायर करता हूं, विच आई थिंक इज अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने एक्चुअली बहुत काम करा था ग्रैंड ट्रंक रोड पे और भी पोस्टल सिस्टम पे काम करा था, उसने दूसरों के लिए काम करा था, 5 ही साल बादशाह रहा वो, उसके बाद डेथ हो गई उसकी। तो ये जो कहते हैं ना अंग्रेज बड़ा कहते हैं कि हमने तुमको दिया, तो अंग्रेजों से कहते तुम जरा शांत बैठो, पैसे किसके थे ये बताओ, पैसे हमारे थे, मालिक हमें, तुमने डिजाइन करा ठीक है, तुमने हुक्म दिया बनाने का वो ठीक है, लेकिन पैसे इंडिया के थे, इंडियंस के थे, और जो अंग्रेजों में थे, जो अंग्रेजों के समय पैसे थे वो उसमें उसमें आपके हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, सिख और ईसाई सब लोग शामिल थे, पारसी भी शामिल थे, सब लोग शामिल थे, हमारे पैसों से अंग्रेजों ने बना दिया, तो वो तो हमारी बिल्डिंग है ना, हमें उसको मेंटेन करना है, हम कर रहे हैं मेंटेन। लेकिन काफी हद तक आप लोगों ने रखा हुआ है, मतलब उन बिल्डिंग्स को खत्म नहीं किया, उनको उनको डिमोलिश नहीं किया, बिल्कुल सही। लेकिन मेजर साहब एक चीज मैंने वैसे ही देखा ट्विटर पे, किसी की वीडियो थी, वो कह रही थी कि ये लोग सीए की बात कर रहे थी वो, और कह रही थी कि कहते हैं जी हम इधर से भी हिंदूस को ले आएंगे, उस कंट्री से भी ले आएंगे, पाकिस्तान से भी ले आएंगे, सब जगह से, तो रखेंगे कहाँ। और वैलिड क्वेश्चन था, क्या भारत में पहले ही आबादी इतनी ज्यादा है, आप समझते हैं कि अगर इधर उधर से पूरी दुनिया से हिंदूज आ जाएं कि जी हमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो आप लोग उनको रखने के काबिल हैं, उनको जॉब्स देने के काबिल हैं, या समझते हैं कि उनके लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं खाना पानी वो होगा। आरजू जी दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये जिन्होंने भी मोहतरमा थी जो आप कह रही हैं जिन्होंने बनाया वीडियो कि उनको रखेंगे कहां पे, कितने बाकी हैं ये बताइए आप, कितने बाकी हैं? सब जगह पूरी दुनिया में, नहीं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, एनआरसी और जो हम सीए की बात करते हैं, एनआरसी छोड़ दीजिए, सीए की बात करते हैं, सीए तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर है, पूरी दुनिया का तो है ही नहीं। तो लोग कहते हैं हम सीआरसी, हाँ तो ये तो सिर्फ 3 मुल्कों का है, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग यहां पे आते हैं और अप्लाई करते हैं तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। भाई इंडिया इज बेसिकली हिंदू कंट्री, पॉपुलेशन मोर देन 80% इज हिंदू, अरे पाकिस्तान में कोई हिंदू परेशान है तो कहां जाएगा वो, साउथ अफ्रीका थोड़ा ना जाएगा, या वो बोले जी मैं पोलैंड चला जाऊंगा, वो तो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा, और क्यों ना देखे, उसका मुल्क है, उसका स्वागत है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि देखिए हमारा इंटेंट है उनको वापस लाना, अगर वो वापस आना चाहें तो, बिकॉज दे हैव टू अप्लाई। तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपने सुना मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान को फिर से उनकी एक बार हिस्ट्री याद दिलाने की कोशिश की। आपको पता होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान के बेसिकली लोग कौन है, पाकिस्तान के लोग जो अपने आप को कंसिडर करते हैं कि वो अरबी हैं, तुर्की के हैं, मंगोल हैं, ये हैं, वो हैं, पर्शियन हैं, यूरोप के हैं, हालांकि उनको सबको सब कुछ पता है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि उन्हें कुछ हिस्ट्री एक्सेप्ट करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। मेजर गौरव आर्य ने भी यहाँ पर बहस के आगे बीन ही बजाई है, उससे कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको पता है कि
पाकिस्तान के लोग ऐसा कुछ मानने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं, उन्हें वही दिखता है दिन रात गजवाए हिंद ये वो। बात यहाँ पर शुरू हुई थी इस्लामाबाद में बन रहे एक हिंदू टेंपल को लेकर। आपको पता होगा इस्लामाबाद में एक हिंदू टेंपल बनने वाला था जिसकी नींव डली और उसके बाद उसे मुसलमानों ने तोड़ दिया, वहाँ जाकर नमाजें पढ़ी और इस तरीके की हरकतें की। आप जानते हैं ये मुसलमान हिस्ट्री का एक हिस्सा है। जो एक्सट्रीमिस्ट या जो अटैकर्स इन्वेडर्स आए, उन्होंने अटैक किया, मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को लूटा, उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया। आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, इंडिया में इतनी सारी मस्जिद हैं जिनमें आपको संस्कृत के श्लोक अंदर मिल जाएंगे। आपको पता है कि संस्कृत का इस्लाम से क्या लेना देना। आपको कुतुब मीनार मिल जाएगी, वहाँ पे इतने सारे जैन मंदिर के अवशेष, हिंदू मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे आपको। कुछ कितने सारे ऐसे टेम्पल हैं जिनके सामने मस्जिद बनी है, सामने उनको मतलब आज भी लोग बना रहे हैं, मतलब वो एक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, हालांकि ये लोग मानते नहीं, ये लोग उसमें भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन ऐसी बातें ये आप समझ सकते हैं कि ये लोग मानने को तैयार नहीं है, हिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मुझे गौरव आर्य ने ट्राई किया कि आप इसको अपनी हिस्ट्री का हिस्सा माने। आप भले ही आज मुसलमान हैं, आपकी पूजा पद्धति बदली है, लेकिन आप जिस जगह पर हैं उसकी हिस्ट्री, उस ज़मीन से जुड़े होने का अगर हिस्सा मानेंगे, हिंदुस्तान से बात करेंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान हिंदुस्तान के रास्ते बहुत अच्छे होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो लड़ाई झगड़े में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, हथियार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं, वो हम अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को स्किल फोर्स में कन्वर्ट करने में लगा सकते हैं। हालांकि मुझे पता ही है कि ये बातें पाकिस्तान के सर के ऊपर से बाउंसर भी नहीं होंगी। अगर ये शॉर्ट बॉल भी नहीं है, मतलब ये आप बता रहा हूँ ये गुड लेंथ बॉल भी है, तो पाकिस्तान उसमें भी डक करेगा और ये बॉल अपने सर के ऊपर से जानबूझकर निकालेगा, क्योंकि पाकिस्तान को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान को एक ही दिखता है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इला इल्ला अल्लाह, ऐसा कुछ है जो भी है, बस वही दिखता है इनको, ला इला इल्ला अल्लाह। तो आपको बता दें कि पाकिस्तानियों के आगे मेजर गौरव आर्य ने बजाई है भैंस के आगे जैसे बीन बजाते हैं, वैसे ही बजाई है बीन। पाकिस्तान को उनकी हिस्ट्री दिखाना मतलब आप समझ लें कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, इनके आगे कोई आर्गुमेंट नहीं चलता है। तो मेजर गौरव आर्य ने कोशिश की, चलिए कोशिश के लिए दाद देते हैं। ऐसी कोशिशें कई लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं जो पाकिस्तान से जिन्हें बाहर भागना पड़ा, लाइक तारिक फतेह, बहुत सारे एग्जांपल हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब करते हैं वीडियो को एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।